वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हो सकता है ओके, रखिएगा ये सारे स्टॉक्स रडार पर। अच्छा, मार्केट्स वीक हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्टॉक्स वो जो शायद अच्छे नॉर्मल बाजार होता तो इन ग्रीन होते, वीकनेस तो मार्केट गैप डाउन खोलेंगे तो हो सकता है लो लेवल से कुछ रिकवरी दिखाएं। पहला एशियन ग्रेनाइट, राइट इशू आने की तैयारी। आज दरअसल वो राइट इशू खुलता हुआ नजर आएगा। स्टॉक है 83 पे, वो राइट इशू आ रहा है 63 पे। हालांकि 12 अप्रैल ध्यान रखिए उसके लिए रिकॉर्ड डेट थी, 10 मई तक ये राइट इशू खुला रहेगा। 30:37 मतलब 30 शेयर अगर है तो 37 शेयर्स के लिए राइट्स एंटाइटलमेंट होगा। ये कंपनी टाइल्स, मार्बल, क्वार्ट्ज और बाथवेयर में है, बढ़िया बिजनेस डाइवर्सिफाई करा है। और दूसरा, इसकी प्रेजेंटेशन देख रहा था मैं, इंडस्ट्री में पिछले 5 साल में CAGR देखेंगे तो हाईएस्ट सेल्स और प्रॉफिट्स क्लॉक कर रही है, तो रखिए रडार पे इसको। केबीसी ग्लोबल, अब ये स्टॉक तमाम खबरों के बावजूद ध्यान रखें रह रहे के प्रेशर दिखाता है, तो ये थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन है। हालांकि इस समय फ्राइडे को बढ़िया मूव्स आने शुरू हुए थे जब ये स्लिप हुआ था लोअर लेवल्स में। खबरें ऐसी थी कि सिंगापुर बेस्ड फंड जो है मेबैक किम एंग सिक्योरिटीज, उसने 35 लाख शेयर्स खरीदे। ये मैंने लगातार मेंशन कर रखा है किस तरह से मार्की इन्वेस्टर्स बार बार चेक इन करते हैं, तो वो इन्वेस्टर्स का मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हो रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आता है। तो दूसरी तरफ प्रमोटर्स का स्टेक रिड्यूस होता है, वो ध्यान रखिएगा उस बात का, डाइल्यूशन है। पर इस कंपनी की बोर्ड मीट दरअसल शेड्यूल्ड है 29 अप्रैल को। अब ये कंपनी माइनिंग बिजनेस इंटरनेशनली जाना जाए, अब तक नासिक बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर, इंटरनेशनल बिजनेस माइनिंग बिजनेस में उतरने की तैयारी और साथ में अपॉर्चुनिटीज तलाशने की तैयारी अफ्रीका में एक्विजिशंस या जॉइंट वेंचर्स माइंस के लिए। इंटरेस्टिंग, देखते हैं स्टॉक कैसा रिएक्ट करता, रखिए रडार पे, खबरों वाला है। तेजस नेटवर्क्स, लेकिन इसको मैंने लाल रखा है क्योंकि ये वीक Q4 परफॉर्मेंस है और वाकई वीक है। साल दर साल आय 37% क्रैक हुई, 30 करोड़ के मुनाफे के सामने 88 करोड़ का इबीटा प्रॉफिट के सामने इबीटा लॉस, और नेट लॉस 49 करोड़ रुपीज का है। इवन Q-on-Q लॉसेस वाइडन हुए इबीटा फ्रंट पे। और संजय नायक साहब जो है MD और CEO, उनका कहना है दरअसल रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशन है, वो तो हम कह ही रहे हैं लाल निशान में नजर आएगा, पर वो दिक्कत आ रही है अब इनको भी, वो जो सीवियर शॉर्टेजेस हैं चिप्स की। तो तेजस का कहना है रिजल्ट्स इसीलिए फॉल्टर कर गए। BEPL के नंबर्स कमजोर, टॉप डाउन वीकनेस, आए साल दर साल 5% गिरी, एबीटा उसके सामने 54% गिरा, 45% के मार्जिन घटकर 22%, मुनाफा इसीलिए आधा हो चुका है, 55% का दिखला है। तो बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड इन रेड शायद आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक, 10 स्टॉक्स हो चुके हैं, इन स्टॉक्स का इन टीम्स का एक क्विक रैपअप छोटे से ब्रेक के उस पार।